कैप्टन कपूर ने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। मेरा बड़ा भाई नक्सलवादी था, वो पुलिस के हाथों मुठभेड़ में मारा गया। वो बहुत बड़े और सच्चे सपने देखा करता था, और जो लोग बड़े और सच्चे सपने देखते हैं ना, वो लोग अपनी मौत नहीं मरते, अक्सर दूसरों के हाथों मारे जाते हैं। और हाँ, ये भी सच है, मेरे बड़े भाई ने जो न्याय की लड़ाई बंदूक से शुरू की थी, आज वही लड़ाई मैं कानून के सारे लड़ रहा हूं। न्याय युद्ध की आदत पड़ चुकी है हमें सैकड़ों सालों से। और कैप्टन कपूर को यह नहीं मालूम कि अगर मेरा बड़ा भाई नक्सलवादी था तो मेरे पिताजी आजकल कलकत्ता हाईकोर्ट में जज हैं। और हाँ कैप्टन कपूर, आपने ये जो सब कुछ बताकर यहां पर कोई बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर के रहस्य का उद्घाटन नहीं कर दिया है? सेना में भर्ती होने से पहले पुलिस वाले पता करते हैं घर के बारे में, परिवार के बारे में, चरित्र के बारे में। और ये बात न केवल पुलिस वाले परंतु भारत सरकार को भी पता होती है। और देख लीजिए, रख लिया मुझे, फिर भी भेज दिया आप जैसे अफसर के सामने केस लड़ने के लिए। शायद शायद इसीलिए आप मुझसे नाराज हैं, है ना? शायद इसीलिए नाराज मुझसे।